हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज हम 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो कि मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी देशवासियों के लिए, हम भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी और बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और ये खुशी पूरे साल भर, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए ये खुशी इसी तरीके से बने रहे और देश प्रेम हम सबके अंदर इसी तरीके से जागृत रहे और हम अपने देश को इतना ही प्यार करते रहें। बोल शंकर। तो चलिए झटाक से रिव्यू करते हैं इस फिल्म को और फटाक से आपको बताते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है, और बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और एक सवाल मुझे ये पूछना ही था कि भाई इस फिल्म का नाम बोल शंकर है क्यों, क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ तो देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, इतना क्या दिमाग लगाएंगे। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो इस फिल्म की कहानी में हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है शंकर, और वो फिल्म में अपनी कहानी बता रहा होता है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई जिस वजह से आज वो इस हालत में पहुँच चुका है। और इन सबको जानने के लिए अगर आप उसकी कहानी जाननी है तो आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला कि भाई आप इस फिल्म को देखो, क्योंकि फिल्म में कुछ खास देखने को मिलेगा तब तो, जब कुछ देखने को खास है ही नहीं तो मैं आपको रिकमेंड कैसे करूं। यहाँ पर बस आपको एक रोमांटिक कहानी देखने को मिलती है नंदनी और शंकर की, और क्या होता है, क्या हुई थी गड़बड़ी, वही सब जानने को आपको मिलेगा इस फिल्म में, जो कि नया अलग कुछ भी खास है नहीं। तो ये फिल्म मैं स्पेशली उनको ही रिकमेंड करूँगा जिनको रोमांटिक कॉमेडी फिल्म देखना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, इसके अलावा कुछ नहीं तो ये फिल्म उनके लिए। बाकी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप इस फिल्म से दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा, हो सके तो कोई दूसरी फिल्म देख लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, वक्त बचेगा तो आपके लिए अच्छी बात होगी। ये एक रोमांटिक फिल्म है जहाँ पर हमको कुछ भी खास नया तो देखने को नहीं मिलता है। हालांकि फिल्म के एंडिंग से पहले एक अच्छा खासा ट्विस्ट देखने को मिलता है हमें इस फिल्म में, जिसके बाद ये फिल्म थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं इमोशनल कर देती है, जिसमें हमें एक तरीके से एक बात बताई गई है कि ज़िंदगी में सबकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी भी रह जाती हैं। और इसके अलावा एंड में ये फिल्म थोड़ा सा हंसा कर ख़त्म हो जाती है, बस इतना ही है और इस फिल्म में कुछ भी खास नहीं है। तो जिनको कंटेंट बेस्ड फिल्में ज़्यादा पसंद है तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये फिल्म एक तरीके से टाइम वेस्ट फिल्म है, और हो सकता है कि आपका ये एक तरीके से टाइम वेस्ट करे, आपको डिसअपॉइंट कर दे, तो इससे अच्छा है कि आप दूसरी कोई फिल्म ढूंढो और उसको देखो, या तो आप इस फिल्म से दूर रहो। और बाकी जिनको रोमांटिक फिल्म देखना है देख सकते हैं आप इस फिल्म को अगर आप चाहो तो। और जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 3.9 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में फिर किसी ऐसी मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।